जनपद सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में भीम आर्मी चीफ के हमलावर गिरफ्तार। देवबंद में चंद्रशेखर आजाद पर फायरिंग करने वाले 4 अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा 72 घंटे में सफल अनावरण करने पर टीम को 50,000 का इनाम, राजपत्रित अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र की घोषणा भी। भीम आर्मी चीफ एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले हमलावरों को सहारनपुर पुलिस ने 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। अंबाला कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में थे हमलावर। पकड़े गए ये 4 आरोपियों में से 3 युवक देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव रड़खंडी के रहने वाले हैं, जबकि एक युवक हरियाणा के करनाल जिले के गाँव गोंदर का रहने वाला बताया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 28 तारीख को चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर हमला हुआ था। वो फार्चूनर गाड़ी में सवार थे। इसमें एसएसपी सहारनपुर द्वारा त्वरित तौर पर 5 टीमें बनाई गई थी, एसपी सिटी, एसपी देहात, सीओ देवबंद, स्वाट और सर्विलांस की। ये टीमें लगातार काम कर रही थी और हर घंटे इनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी क्रम में ये तथ्य निकलकर सामने आया कि ये 4 लड़के हैं, एक बिक्की जो कि हरियाणा का रहने वाला है, एक बिक्की रनखंडी का रहने वाला है, एक प्रशांत है और एक लविश है। ये चारों लोग गाड़ी में सवार थे स्विफ्ट डिजायर में। गाड़ी बिक्की उप विकास की थी जो कि हरियाणा का रहने वाला है। और इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि पिछले कुछ महीनों से जो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा एनसीआर और दिल्ली में बयानबाजी की जा रही थी, उस बयानबाजी में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी इसको लेके हम लोग में काफ़ी नाराज़गी थी, उल्टे सीधे जो बयान थे, इसलिए ये लोग आ रहे थे। और टोल पर, रोहाना टोल पर, इन्होंने देखा कि चंद्रशेखर का काफिला था। तत्काल इन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया और पीछा करते हुए इन्होंने देवबंद में जाकर उनकी गाड़ी पर फायर किया। कुल 3 राउंड फायरिंग के द्वारा की गई है, जो 315 बोर के तमंचे से की गई है। और इन अभियुक्तों में से कुछ का आपराधिक इतिहास पूर्व में 307 और लूट का रहा है, जो एक दो घटनाएं हैं जो प्रेस नोट में हमने मेंशन कर रखा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।